अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गोली मारकर हत्या करने को लेकर काफी विवाद हो रहा है। बताया जा रहा है कि थॉमस मिथियोक्रूक्स नामक एक शख्स ने राष्ट्रपति ट्रंप को गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की थी और थॉमस इससे नाकाम रहा। लेकिन एक सवाल, आखिर इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी थॉमस ने अपने काम को कैसे अंजाम दिया और थॉमस मिथियोक्रूक्स कौन थे और ट्रंप को क्यों मारना चाहता था, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो। 13 जुलाई शनिवार को यूनाइटेड स्टेट के पेंसिल्वेनिया राज्य में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए रूप से राष्ट्रपति पद के लिए रैली का आयोजन किया था और इसी सभा के दौरान अचानक से ट्रंप पर हमले होते। बताया जाता है कि हमलावर 22 साल के एक युवा जिसका नाम थॉमस मिथियोक्रूक्स था। जिस जगह ये सभा चल रही थी उसके स्टेज से सिर्फ 120 मीटर दूर पर एक घर की छत से थॉमस ट्रंप को टारगेट कर रहा था। वो ट्रंप को टारगेट करके 8 गोली मारता है और 8 गोली में से सिर्फ एक गोली ट्रंप के कानों के साइड से गुजर जाता है और बाकी गोली आसपास के लोगों को लगता है, जिससे एक इंसान की देहांत होती है और दो लोग घायल होते हैं। अमेरिकी मीडिया बता रहे हैं कि हमलावर बेथल पार्क पेंसिल्वेनिया में रहता था जो कि बर्थलर से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। बताया जाता है कि थॉमस जिस गन का इस्तेमाल किया था वो गन उसके पापा ने खरीदी थी। स्कूल सर्विस कमीशन बताते हैं कि 2022 में थॉमस बर्थलर स्कूल से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए और अमेरिकी मीडिया ये भी बता रहे हैं कि थॉमस के वोटर कार्ड के अनुसार हमलावर गणराज्य दल का सदस्य है। पुलिस और विभिन्न गोविंदा संस्था उसकी पहचान को और भी अधिक से जानने की कोशिश कर रहे हैं। शनिवार रात को FBI के एजेंसी कविन रोचक ने एक ब्रीफिंग में कहा है कि ये अभी तक निश्चित नहीं हो सका है कि हमलावर ट्रंप को क्यों मारना चाहता था और ये हम लोग जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूर्व FBI विशेषज्ञ एजेंट कैन ग्री ने उन सुरक्षा अधिकारियों की आलोचना की है जिन्होंने ट्रंप को घटनास्थल से हटाने में काफी समय लगा दिया था। उसका कहना है कि यदि अगर कोई दूसरा बंदूकधारी वहां होता तो उसके पास और एक मौका हो जाता। डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह के हमले के पीछे निरापत्ता कर्मचारियों की कमी और सीक्रेट सर्विस की असफलता बताए जा रहे हैं। दावा है कि जल्दी सुरक्षा कर्मचारियों और सीक्रेट सर्विस को शामिल करने से ही इस तरह की मुश्किल मुकाबले में बचने की संभावना है। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने राष्ट्रपति पद के राजनेताओं को अधिकतम सुरक्षा प्रदान करते हैं। उसके बाद भी मैग्नेटिक स्क्रीनिंग, बुलेट प्रूफ लिमोजिन और भी भारी हथियार से लैस सीक्रेट एजेंसी की सुरक्षा के बावजूद भी इस घटना ने सभी को हैरान करके रख दिया है।